आप इसका कलर देख सकते हैं, इट इज टू अमेजिंग। और ये देख सकते हैं, ये मेरा फ्राई होगा धीरे धीरे, ये कहीं से मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधी बासु में। तो आज हम लोग चिकन बनाने वाले हैं। तो मेरे घर में चिकन कैसे बनता है तो आज मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चिकन है जो मैं धो के रखी हूँ, और ये देखिए मसाला है जो कि अभी तवा पे इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये जीरा है, काली मिर्च, लौंग, लाल मिर्च, तेजपत्ता, और ये तरबूज का बीज है, और ये थोड़ी सी कलौंजी है जो कि इसको मैं तवा पे फ्राई कर लूँगी, जिससे मसाला बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये प्याज और लहसुन मैं छील के रखी हूँ, इसको कटिंग करूँगी। और ये सारा आप देख लिए हैं, तो अब बनाने वाले हैं। आज चिकन मैं नहीं बनाऊंगी, आज मेरे हस्बैंड बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, चलो और मैं अब चिकन बनाने जा रहा हूँ। और ये मैंने सरसों तेल जो कि पतंजलि का यूज करता हूँ। अब ये देखिए, जो मैंने प्याज डाला था, ठीक है, अभी हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, लेकिन आप इसे अभी कच्चा है ये, तो आप इसे और इसे फ्राई कीजिए प्रॉपरली, ठीक है। आप कलछुल से चला, ये जो मैंने प्याज डाला था अभी हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, ठीक है। इसे मैं चलाते रह रहा हूँ क्योंकि ये नीचे बैठना है, क्योंकि फुल फ्लेम है, ठीक है। और अब मैं इसमें ऑलमोस्ट 2 मिनट के बाद मैं चिकन डालने वाला हूँ। चिकन डालने से आपका ये होगा, ये थोड़ा सा कच्चा ही रखेगा प्याज को, जिससे क्या होगा कि चिकन डालने के बाद प्याज जल ना जाए, ठीक है। ये देख सकते हैं चिकन मैंने डाला है, ये देख सकते हैं चिकन मैंने डाल दिया है। और सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूंगा, जिसके कारण ये अच्छे से सिझ जाएगा, ठीक है। मैंने अपने स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, और मैं 2 बार नमक डालता हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे को ये रहता है कि आप जब हाफ फ्राई कर लीजिएगा उसके बाद नमक डालिएगा, उससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार नमक डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा होने का चांस होता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है, अब मैं इसे, ये मैंने नमक डाल के बना दिया है, ठीक है। अब मैं इसे ढकने जा रहा हूँ, ठीक है, कोई थाली अच्छी वाली। ये मैंने नमक डाल के बॉईल करने दिया था, तो ये हाफ बॉइल्ड हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें मैं मसाले डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने लहसुन का पेस्ट है, मैंने अदकचरक कूच रखा था इसे, ठीक है। तो ये मैंने लहसुन और ये मिर्ची मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये क्या होता है कि आप मिर्ची और लहसुन को पहले डालते हैं तो उसमें वो हल्का फ्राई हो जाता है और स्मेल नहीं आता लहसुन लहसुन, फिर वो ख़राब लगेगा, ठीक है। अदरक मैंने अभी नहीं डाला है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये मैं मिला दे रहा हूँ अब सारे, और इसे मैं ढक दूँगा फिर से, ठीक है। देखिए मैं अब हल्दी डाल रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने हल्दी डाल दिया है, ठीक है। अब इसे मैं चला दे रहा हूँ, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, ठीक है। कैसे बनवा दिया सर, दिमाग खराब हो गया एकदम। ये हल्दी के साथ साथ मैं थोड़ा अदरक और जो मैंने कुटा हुआ मसाला बना रखा था, ठीक है, जो भुना हुआ मसाला था वो मैं थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और
ये मैं सारा मिला दे रहा हूँ। और ये जो पानी छूट रखा है इसमें, अब इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या होगा, आप तेज़ फ्लेम करके इसे सुखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो चिकन है वो ऑलरेडी आपका बॉइल्ड हो गया है, अच्छे से सीख चुका है ये, तो इसीलिए मैं अब इसे मैं ढकने वाला नहीं हूँ, ठीक है, ये सूखने वाला है इसे से। ये देखिए फ्रेंड, मैंने चिकन में जो हल्दी डाला था और फ्राई हो गया, ये ऑलमोस्ट पानी सूख गया है, और तो ये देख सकते हैं कितना उमदा कलर आया हुआ है इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें सारे मसाले जो भी बचे हुए हैं, ये जो बचे हुए हैं कच्ची कटी हुई मिर्ची है हल्की, और टमाटर और धनिया जो है, धनिया लास्ट के लिए भी रखना है, ठीक है, और जो थोड़ा सा बचा हुआ अदरक और ये जो जीरा फ्राई करके बनाया था सारा मसाला, खुशबूदार मसाला, ये अब मैं पूरा डाल दूंगा, क्योंकि अब ये डीप फ्राई करने वाला हूँ इसे मैं, ठीक है। और डीप फ्राई करने के बाद जब कलर आता है तो मैं आपको अच्छे से फिर से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इट इज टू अमेजिंग, और ये देख सकते हैं ये मेरा फ्राई होगा धीरे धीरे, ये अब मैं फ्लेम को बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इसका, अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, तो जल्दी फ्राई हो जाए। अच्छा, आप लोगों को चिकन में क्या पसंद है आप मुझे बताइएगा, मेरे को तो लेग पीस पसंद है, ठीक है। सुधी, आपको क्या पसंद है? मुझे भी लेग पीस पसंद है। अच्छा, वैसे आपको तो कलेजी भी पसंद है थोड़ा बहुत, है ना? हाँ, वो भी अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये फुल फ्लेम करके अब मैं इसे चलाता रहूंगा, बिकॉज ऑफ ये अंदर बैठने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये अब आराम से, और एक चीज ये देखिए, जब ये जब पूरा फ्राई हो गया है धीरे धीरे, तो ये देखिए इसका ऑयल छूटने लगा है, तेल छूट के बाहर आ गया है, ठीक है, तो फ्राई होने लगा है, ठीक है। मसाले ऊपर करने के बाद अंदर तक भर जाते हैं, इसे डबल डबल करके मुझे बार बार चलाना पड़ रहा है। ये देखिए, हम दोनों ने मिलकर चिकन बना लिया है, और अब ये चिकन रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा तैयार हो गया है, तो अब हम लोग खाएंगे। बहुत तेज भूख भी लग गया है, तब से हम लोग खाए नहीं है, तब से बना ही रहे दोनों मिलके, तो बन गया है लगभग नहीं, पूरा बन गया है। ये देखिए अब ये हम लोग थाली में सर्व करने वाले हैं, हाँ है? तो अब हम दोनों खाएंगे। तो अब ये देखिए दोस्तों, सुधी ने सर्व कर दिया है थाली में, और ये मेरा, ये देखिए मैं हम दोनों के लिए थाली निकाल ली हूँ, और कैसा लग रहा है, हम दोनों ने मिलके बनाया है तो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। तो हमने कैसे चिकन बनाया है, हमारे घर का रेसिपी है, तो आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स।